नमस्कार, मैं हूं जोया अब्बास और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मुकेश अंबानी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन और एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति अब 64 वर्ष के हो चुके हैं और अब वो अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। बता दें, हाल ही में एक कार्यक्रम में मुकेश अंबानी ने ये कहा है कि अब नई पीढ़ी सारी चीज़ों को संभालने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने देश की सबसे मूल्यवान कंपनी में उत्तराधिकारी को लेकर पहली बार टिप्पणी की है। बता दें, उन्होंने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि रिलायंस अब एक महत्वपूर्ण नेतृत्व बदलाव को अंजाम देने की प्रक्रिया के हिस्से में है। मुकेश अंबानी ने अपने ग्रुप के उत्तराधिकारी के मसले पर बोलते हुए कहा कि नई पीढ़ी लीडरशिप के लिए तैयार है। आकाश, ईशा और आनंद हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल रिलायंस के उत्तराधिकारी को लेकर ये बड़ी बात मुकेश अंबानी ने रिलायंस की नींव रखने वाले धीरू भाई अंबानी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित एक समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी अब लीडरशिप की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अब मैं उत्तराधिकारी की प्रक्रिया को तेज करना चाहता हूँ। हमें नई पीढ़ी की मार्गदर्शन करनी चाहिए, उन्हें समक्ष बनाना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और बैठकर तालियां बजानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं हर दिन रिलायंस के लिए बच्चों के जुनून, कमिटमेंट और समर्पण को देख रहा हूं और महसूस कर सकता हूं। मैं उन्हें वही आग और काबिलियत देखता हूं जो मेरे पिता के पास लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने और भारत के विकास में योगदान देने के लिए थी। साथ ही मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आने वाले वर्षों में दुनिया की सर्वाधिक प्रतिष्ठित और मजबूत कंपनियों में शुमार होगी। बता दें, इसमें स्वच्छ व हरित ऊर्जा क्षेत्रों के अलावा खुदरा एवं दूरसंचार कारोबार की भूमिका अहम होगी। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी कंपनी का भविष्य मुझे पहले से ही कहीं अधिक उज्ज्वल दिख रहा है। मैं विश्वास के साथ दो भविष्यवाणियां कर सकता हूं। सबसे पहले भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा। दूसरा, रिलायंस दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे प्रतिष्ठित भारतीय कंपनी में से एक बन जाएगी। बता दें कि रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी 64 वर्ष के हो चुके हैं। उन्होंने साल 2002 में अपने पिता की मृत्यु के बाद रिलायंस के चेयर मैन के रूप में पदभार किया था। उनके 3 बच्चे हैं, आकाश, ईशा और अनंत। रिलायंस के टेलीकॉम, रिटेल और एनर्जी बिजनेस में शामिल हैं। इनमें से कोई भी रिलायंस के बोर्ड में नहीं है, लेकिन वो कंपनी के प्रमुख वर्टिकल में निर्देशक हैं। अंबानी ने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आकाश, ईशा और अनंत अगली पीढ़ी के लीडर बनकर रिलायंस को और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो ये जानना बेहद ही महत्वपूर्ण हो गया है कि मुकेश अंबानी की कौन सी संतान अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को संभालेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम हो का सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।